हमारे बीच दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील शारदा जी, हैदराबाद से हमारे बीच पधारे हुए भाई आदिल मोहम्मद साहब, बहुत धार्मिक आदमी है, पूरा हैदराबाद इनको भरोसा करता है, हमारे कर्नल जयवीर जी, पूरे दिल्ली के हमारे अध्यक्ष हैं, सेना से आए हुए और अब देश की दूसरी सेवा में लगे हुए हैं, और यहां नवादा क्षेत्र के हमारे साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले पंकज भाई की तरह मैं भी बहनों को सलाम करना चाहता हूं। मैं जानता हूं टीवी पे बैठ के प्रधानमंत्री की आलोचना आसान काम है, मैं कर देता हूं कई बार, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की आलोचना टीवी कमरे के अंदर बैठ के करना आसान है, लेकिन यहां अपने ही मोहल्ले में माइक लेके यहां खड़े होके बोलना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको सलाम करता हूं, इसका आसान नहीं है बहन जी, जो आपने बात बोली, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत कम लोगों में ऐसी हिम्मत होती है। मैं जानता हूं यहां एक एक जो बहन बैठी है उसके पीछे 100 हैं जो घर में बैठी हैं, जो सोच रही हैं कि बात तो ठीक है लेकिन मैं जाऊं कैसे वहां पे। आपने हिम्मत दिखाई है और आपने जो रोशनी दिखाई है, एक एक बहन के साथ पीछे 100-100 बहने हैं जो कि जुड़ेंगी, क्योंकि उनका मन यहीं पे है। यहां आया, देखा, बड़ी शर्म आई मुझे, हमारे साथियों ने बताया था जी कि मेट्रो के पास ही है, पर मुझे नहीं पता था ऐसे मेट्रो की सीढ़ी के साथ में। अरे मेरी भी बेटी 18 साल की, 10 शाम को 10 बजे 11 बजे कई बार कहती है पापा उस वजह सहेली के घर पढ़ने जाना है, मैं आ जाऊंगी लेने, आ जाना मेट्रो से आ जाऊंगी। मुझे भी लगता है चलो मेट्रो में है तो सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी मेट्रो में सेफ है? यहां से लड़की 10 बजे गुजरेगी, 11 बजे गुजरेगी, 9 बजे गुजरेगी, 8 बजे गुजरेगी, कैसे गुजरेगी, कैसे भरोसा होगा? और पता लगा उधर साथ दूसरी तरफ स्कूल भी है, शर्म आनी चाहिए। ये सभ्य समाज हमने बनाए, कोई वैसे गुंडागर्दी का अड्डा खोल ले, चलो खोल ले, हमारे बस में नहीं है। सरकार अपने कागज पे हस्ताक्षर करके गुंडागर्दी का अड्डा यहां खुलवाए, जहां एक तरफ आने जाने की व्यवस्था है, दूसरी तरफ स्कूल है, शर्म आनी चाहिए। मुझे तो बहुत शर्म आई ये देख के कि साला ऐसे आ गए। आज से 4 साल पहले इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, हम सब लोग उससे जुड़े थे, आंदोलन ने स्वराज मांगा था, जन लोकपाल मांगा था, और अभी अभी पंकज भाई ने जो डायलॉग दिया जिसपे आप लोगों ने बड़ी ताली बजाई कि भाई दारू का ठेका खोलने से पहले मोहल्ले की औरतों से पूछना पड़ेगा, बड़ा अच्छा लगा हमारी बहनों को सुन के। बहन जी सच्ची बात यह है कि यही का यही डायलॉग अरविंद केजरीवाल ने 1 साल पहले दिया हुआ है, चुनाव से पहले, और ये यूट्यूब में है, हमारी बहन जी सरोज जी इनको जरा दिखा देना जी। अपने मुंह से अरविंद केजरीवाल ने बोला था जब वोट मांगने का टाइम आया था, तो ये कहा था जी कि जब तक औरतें, जब तक मोहल्ले के लोग, लेकिन सिर्फ लोग नहीं, मोहल्ले की औरतों से पहले पूछेंगे, अगर वो हां करेंगी तभी वहां पे दारू की दुकान खुलवाएंगे। अब आप बताओ दुनिया में कहीं मोहल्ले की औरत हां करेगी इसके लिए? ये देख, अरे बेचारे मजदूर लोग हैं, इन्हें परेशान ना करो, इनका कोई दोष नहीं है, इनको जाने दो, पर ये देखिए क्या क्या हाल हो रहा है। खैर ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, इसको हम परेशान नहीं करेंगे, ये भी अपना मजदूर। मगर ये डायलॉग था कि महिलाओं से पूछेंगे फिर दिल्ली के अंदर कहीं पे भी कोई ठेका खेलेंगे, और ये कहा कि जो खुले हुए हैं, जो ठेके पुराने खुले हुए हैं उन पे महिलाओं से पूछेंगे, अगर औरतों को ऐतराज होगा तो खुले ठेके को भी हम बंद कर देंगे। जब इनकी सरकार बनी तो दिल्ली में 1200 के करीब ठेके थे, बहुत है 1200 एक इतने छोटे से शहर के लिए। अगर सरकार ईमानदार होती तो क्या करती कि जी 1200 के 1100 करेंगे, 1000 करेंगे, रातों रात बंद नहीं करेंगे, रातों रात बंद करने के मैं भी खिलाफ हूं जी, उससे नुकसान हो जाएगा, हरियाणा से स्मगलिंग होनी शुरू हो जाएगी या माफिया शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करो। अगर किसी चीज को पक्के तरीके से करना है तो सहज सहज पकाओ, धीरे धीरे करो, 1200 के 1100 करो, 1100 का 1000 करो, 900 करो, अगर आप ईमानदार हो
बहुत अच्छी सरकार चलाते हो तो कहो कि एक साल में 200 ठेके दिल्ली में कम करेंगे और अगले 6 साल के अंदर दिल्ली के अंदर सिर्फ जो गुने चुने लोग हैं उनके लिए शराब उपलब्ध होगी, बाकी के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन क्या काम किया हमारे साथियों ने बताया, 1.5 साल हुआ है जिन्हें सत्ता में आए, कितना हुआ है, 14 फरवरी को आए थे, अब हो गई 25 फरवरी के करीब, 28 फरवरी हो गई, तो इनको 18 महीने हो गए हैं। 1.5 साल में कितनी दुकानें खुलवाई, 399। ये मेरे पास कागज है जी, किसी और का दिया हुआ नहीं है, जिस भाई बहन ने देखना है देख लो जी। ये पंकज पुष्कर जी ने दिल्ली असेंबली में फाइनली हार के इन्होंने कहा कि आप मेरे को बताओ दिल्ली में कहां कहां शराब की दुकान है, सब दुकानों का नाम और एड्रेस दो। तो ये सरकार ने पकड़ा दिया पोथा, सोचा कि पढ़ेगा कौन इतने बड़े पोथे को। हमारे स्वराज अभियान के साथी बैठे रातों रात एक एक आइटम को पढ़ा और ढूंढ के निकाला कि सन 2015 और 16 में कितने खुले हैं। हम सोच रहे थे 58, बाद में शक हुआ कि नहीं, हो सकता है 100 भी हो गए हो, पता लगा 399 नए ठेके खुले हैं। ये कागज हमने इंटरनेट पे डाल दिया है, ये लिस्ट हमने सबको दे दी है और मैं आज यहां नवादा में खड़ा होके अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं, भाई ये है आपसे 399 की लिस्ट। ये आप सबके बीच में लिस्ट रख रहे हैं जी, पढ़ लो, यहां के साथियों को भी दिखा दें, ये है लिस्ट, उसमें हमने एक एक आइटम मार्क किया हुआ है जो 399 नए खोले हैं। अगर इसमें से कोई झूठ निकलता है, अगर 399 से कम निकलते हैं तो योगेंद्र यादव सार्वजनिक जीवन छोड़ देगा। और अगर निकलते हैं 399 से ज्यादा, मैं नहीं कहता सार्वजनिक जीवन छोड़े, वो उनकी आत्मा जाने, आके नवादा के लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लेना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कम से कम इस बीमारी की जड़ को खत्म करवा दो। 1 साल में दिल्ली ने, पता है कितना, दिल्ली की सरकार ने कितना पैसा कमाया, दारू की बिक्री से कितना पैसा कमाया, सोचो बहन जी। 1 साल में दिल्ली की सरकार ने दारू की बिक्री से 3,560 करोड़ रुपया कमाया है, 3,560 करोड़ 1 साल में। उससे पिछले साल कितना कमाया था, 2,950। 1 साल में कितना बढ़ गया, 600 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को आमदनी हुई। मैं अभी टेबल के नीचे वाली आमदनी की बात नहीं कर रहा, दिल्ली सरकार को जो आमदनी हुई, जो एमएलए जी को हुई, जो मंत्री जी को हुई, वो तो पता नहीं जी हमारे उनके घर में क्या पहुंचा, वो भी बाद में खुलासा होगा। दिल्ली वो अलग है जी, ये 600 करोड़ तो दिल्ली सरकार को आमदनी हो गई, एक्स्ट्रा आमदनी, टोटल 3,500 करोड़ से ज्यादा हुई। अगर आप थोड़े से ईमानदार होते तो आप कहते चलो जब भी कोई ऐसा पैसा घर में आ जाता है, गलत पैसा आ जाता है, आदमी क्या करता है मंदिर में जाके दियाता है कि चलो जी 600 रुपए सड़क पे मिले थे, मेरे नहीं है जी, पाप की कमाई है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, चलो मंदिर में पकड़ा दिया, किसी स्कूल में पकड़ा दिया। और भाई आपका तो मद्य निषेध डिपार्टमेंट है, एक सरकार का विभाग है जिसका काम है शराब को कम करना, शराब को रोकना, जो शराबी बन गए हैं वो भी बेचारे बीमार है, मेरे को उनसे कोई गुस्सा झगड़ा नहीं, वो भी बीमार है, उसका भी इलाज करवाना चाहिए, उन शराबियों के इलाज के लिए 2 हॉस्पिटल खुलवा दो। तो 600 करोड़ रुपया आपकी जेब में आ गया, इसमें से कितना रुपया आपने खर्च किया शराब को कम करने के लिए, पंकज पुष्कर भाई ने पूछ लिया ये सवाल, पूछा जी कि दिल्ली में शराबियों का इलाज करने के लिए कितने क्लिनिक है, इन्होंने कहा 5। पंकज पुष्कर ने कहा जी ये 5 आपने खुलवाए कि पहले से थे, कि ये तो पहले से थे। पूछा कि आपने पिछले साल में कितना खर्च किया शराब को रोकने के लिए,
इससे पहले कि जब कांग्रेस सरकार थी 13-14 में, अच्छी नहीं थी जी, बहुत खराब सरकार थी, उसके खिलाफ हम तो सड़क पे रहते थे। उस सरकार ने 4.5 करोड़ रुपया खर्च किया था मद्य निषेध के लिए, और इस सरकार ने कितना किया, 2 लाख रुपया किया उसने किया 4.5 करोड़, और इस सरकार ने सिर्फ 2 लाख रुपया खर्च किया, ये हकीकत है इसकी। बहन जी 2 मिनट बैठ जाओ, बस बात अपनी खत्म हो रही है, बस एक अपना संकल्प लेके यहां से जाएंगे, और इसके बाद और कोई स्पीकर नहीं है, बस संकल्प लेंगे और यहां से जाएंगे। पिछली सरकार ने 4.5 करोड़ किया, 2 लाख रुपया खर्च किया इन्होंने, और अब जाके कह रहे हैं कि पंजाब में नशा मुक्ति करवाएंगे। मैंने कहा भाई इससे तो बचाओ, ऐसी नशा मुक्ति जो दिल्ली को मिली है अगर ऐसी पंजाब में जाके कराओगे तो भाई बचाओ देश को इससे। तो क्या करना है, करना वही है जो बहन जी ने बोला है, हमारे भाई ने भी बोला कि ये योगेंद्र यादव आके आपकी मुक्ति नहीं करवा सकता जब तक आप मिलके इकट्ठे खड़े नहीं होंगे। जब तक हम सब मिलके खड़े नहीं होंगे तो इनका मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अकेले नहीं है, सरकार भी इनके साथ है।